नमस्कार उत्तराखंड, मैं बीके सामंत बॉम्बे से। और इस वीडियो के माध्यम से मेरी अपील है उन लोगों से जो इस लॉकडाउन के दौरान इस कोरोना काल में पहाड़ वापस जा रहे हैं और पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं। तो जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि वो लोग जो क्वारंटाइन सेंटर से भी भाग जा रहे हैं और इसका जो कोरोना को लेकर जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनका वो पालन नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चिंताजनक है। हमें ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए, पहाड़ के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये संक्रमण अगर कहीं वहाँ फैलता है तो ये बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लेगा वहाँ पर। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, हमें ये ज्ञात रहे कि हमें एकदम जिम्मेदार पहाड़ी की तरह हमें अपना इस दायित्व को निभाना है। और वो जो लोग गाँव में हैं उनसे भी मेरी एक अपील है कि जिस तरीके से प्रवासी लोग आ रहे हैं गाँव में, तो आपकी तरफ से भी कुछ खबरें सुनने को मिली हैं या पढ़ने को मिली हैं कि आपकी तरफ से भी कुछ दुर्व्यवहार इन लोगों के साथ किया गया है, तो ऐसा आप लोग भी हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये लोग आप हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि इनके पास यहाँ रहने की जगह नहीं है तो जाएंगे कहाँ। अपनी रोजी रोटी के लिए लोग आए हुए थे बाहर में और ये लोग जो अभी पहुँच रहे हैं इनसे भी मेरी एक अपील है कि आप स्वरोजगार को आप अपनाइएगा अपने क्षेत्र में, अगर हो सके तो आप हो सके नहीं आप ये प्रण कीजिएगा इस वक्त में, क्योंकि 8-10 हज़ार के लिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। और मैं समझता हूँ इसमें हमें विचार करना चाहिए और गंभीर चिंतन की ज़रूरत है इसको लेकर कि हम अपने आसपास ही कुछ क्यों ना हम अपने आसपास ही 8-10 हज़ार की नौकरी हम तलाशें अपने लिए, और वो संभव है, बहुत कुछ संभव है पहाड़ों में इस वक्त में। और लेकिन बशर्ते अगर ज़रूरत है तो कुछ तो बस हमें मेहनत करने की। और आप सभी से फिर से मेरी गुजारिश है कि जो सरकार की द्वारा जो दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं उसमें बहुत कुछ संभव है पहाड़ों में इस वक्त में, और लेकिन बशर्ते अगर ज़रूरत है तो कुछ तो बस हमें मेहनत करने की। और आप सभी से फिर से मेरी गुजारिश है कि जो सरकार की द्वारा जो दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं उसका हम पहाड़वासी भी और प्रवासी भी जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं एकदम एक अच्छे पहाड़ी की तरह हम अच्छे नागरिक की तरह हम उसका उनका जो दिशा निर्देश है उनका पालन करें और फिर ये संकट बहुत जल्द ये दूर हो जाएगा। मुझे लगता है ये जो इस वक्त में आया है मानवता पे ये बड़ी बड़ी चीज़ें निकल गई तो ये भी निकल जाएगा। हमें हमारे पहाड़ों को सुरक्षित रखना है इस वक्त में, हमारा ध्येय ये होना चाहिए और हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम ये जो संक्रमण है पहाड़ों में ना फैले और इसके प्रति हम खुद भी जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।